यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश का कहना है कि सरकार पर्यावरण के कानूनों को कमजोर कर रही है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण के मामले में सरकार की नीयत और नीतियां दोनों ही शक के दायरे में हैं। एक साल होने को आया है कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो जो हैं पेरिस अग्रीमेंट से निकलेंगे, लेकिन पूरे विश्व का कहना है कि क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है, उसे निपटना है, और पूरा जो विश्व है एक साथ होके आया है। हमारे साथ इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए जयराम रमेश हैं, जो इंडिया के पूर्व एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। क्लाइमेट चेंज हमने नहीं बनाया, लेकिन इंडिया ने काफ़ी साल पहले कहा कि हम सोल्यूशन का हिस्सा बनने चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हिस्टोरिकली अमेरिका का प्रॉब्लम रहा है क्लाइमेट चेंज, उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, हम इसको एग्जिट कर रहे हैं। हकीकत क्या है, हम आज कहाँ हैं एक साल बाद, क्या हम टारगेट पे हैं और कुछ करना है हमें, अमेरिका के हट जाने से क्या होगा? नहीं, अमेरिका के हट जाने से हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने वादे किए हैं। सारे देश 190 देश हैं, 192 देश थे जो पर ये पेरिस करार के जो हस्ताक्षर किया था उन्होंने, और सिर्फ अमेरिका ने कहा है कि हम पेरिस एग्रीमेंट से हटेंगे, और वो भी 2020 में लागू होगा। फिर भी आज हम ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका पर पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, पर हकीकत यह है कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। ये रोज़ाना का समस्या है, रोज़ ज़िंदगी की समस्या है, हमारे लिए कृषि के लिए समस्या है, हमारे जो वाटर बैलेंस है, पानी संसाधन है, उसके लिए एक बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक समस्या है। तो हम एकमात्र ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से। मोदी सरकार की जो नीति है, जो नियत है पर्यावरण के मामलों में, मैं समझता हूँ बड़ी चिंताजनक है। पर्यावरण के संबंधित कानून हल्के किए जा रहे हैं। NGT एक माध्यम बनाया था कि आम आदमी जाके अप्रोच कर सकता है संविधान के लिए और कुछ सोल्यूशन के लिए। NGT को बंद करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, कई लोग नाराज़ हैं NGT से, वो आर्ट ऑफ लिविंग के खिलाफ उन्होंने एक केस दर्ज किया था, आपको याद होगा, सरकार बड़ी नाराज़ थी उससे। तब NGT को बहुत कमज़ोर करने की प्रयास की गई है। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका पर अभी ऑर्डर रिजर्व हुआ है, पर ज़रूर ये प्रयास किया जा रहा है कि NGT को एक इंडिपेंडेंट संस्था के नज़रिए से मत देखो, पर NGT को पर्यावरण मंत्रालय का एक अंग बना दो।